ना चले। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी बज रहे दोपहर के दो और मैं अभी तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा चलो अभी क्या करते हैं, तो कुछ हम लोग के आसपास की जो भी लोकेलिटी जो सीनरी है वो तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या है। हम लोग ने सोचा है कि दो तीन पार्क है हमारे आसपास, वो सब हम लोग थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कैसे है क्या है। तो चलो आपको भी दिखाएंगे। और आई होप आप लोगों को मेरा लास्ट ब्लॉग पसंद आया जो मैं टेस्को शॉपिंग के लिए गई थी। सो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कैसा लगा, या फिर कुछ भी अगर आप लोगों को लगे कि मैं उसमें और ऐड कर सकती हूँ या कोई भी सजेशन तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो एज यू कैन सी नावा ने अब पूरी ड्रेसअप है और साथ में एक छाता भी ली है, क्योंकि यहाँ वेदर का कोई भरोसा नहीं रहता है। वेदर आप देख के आ सकते हो कि वेदर बारिश भी हो सकती नहीं भी हो सकती। सो उस प्रिकॉशन मीन्स उस सेफ्टी पर्पज से हमने एटलीस्ट उसके लिए एक छाता ले लिया है, वो लेके चल रही है साथ में मेरे। एंड अभी जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सी धूप भी है, अच्छा भी लग रहा है बट हवा काफी ज्यादा है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर विथ मी। ओके गाइज, सो एज यू कैन सी ये हम लोग के घर के आसपास का लोकल शॉप्स, लोकल मार्केट कह सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, जैसे टेक अवे है एंड बहुत सारा शॉप है जैसे सैलून वगैरह है। तो ये छोटा सा लोकल मार्केट है और हम लोग यहाँ पे इस पप्पी के साथ बहुत देर बातें कर रहे थे, पप्पीज़ के साथ नहीं ऑब्वियसली उनके मालिक के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो दिस इज डूकोट कहते हैं, या फिर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होता है डूकोट ही होता है, और हम लोग डबकोट भी कह सकते हैं। यहाँ पे पहले जो कबूतर होते थे उन्हें रखा जाता था ताकि उन्हें गर्मी हो, मतलब उनके लिए गर्माहट के लिए, और अंडा दे सके। तो ये देखिए प्रोनाउंसिएशन। सो यार वी गो टू द सेंट मार्गरेट्स पार्क, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे बच्चे के लिए झूले हैं, स्लाइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग यहाँ पे आके पिकनिक भी मनाते हैं, लोग टेनिस भी खेलते हैं। सो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है और यहाँ की जो सीनरी है ना बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर है, नहीं काफी बड़ा है, हेरिटेज सेंटर है, वो भी एक अट्रैक्शन है, यहाँ पर लोग टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ओके, बड़ा पार्क है। क्रॉस्टोफिन हेरिटेज सेंटर। अब कहाँ जाने का? ये पहले गांव होता था, यहाँ बहुत खेती होता था, ये त्रिपुरा का सबसे फर्टाइल लैंड एक समय में होता था, और बाद में ये जब शहर बड़ा होता गया तो इसको पार्क में बना दिया गया, यहाँ मेला भी लगता था। नवने पूरी टायर्ड हो चुकी है, नहीं नवने बीच में जाओ।
लोग जा रहे कहाँ पे? कौन मैजिक व्हील ना? फिजिक्स नहीं, ऐसे उसको बोले तो मैजिक व्हील भी तो बोला जा सकता है। फिजिक्स व्हील जा रहे हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए, आप देख सकते हो नावद्या को। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।